हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम पहुंच चुके हैं हुंडई के शोरूम में। यहां पर हमारे सामने जो खड़ी हुई है वो है हुंडई i20 का टॉप वेरिएंट। गाइस, अस्टा ऑप्शनल, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता गाइस i20 में। इसमें आपको पांच वेरिएंट मिलते हैं, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स, अस्टा, अस्टा ऑप्शनल। ये आपको टॉप वेरिएंट है गाइस, बिल्कुल टॉप वेरिएंट आपको मिलता है इसके ऊपर। हालांकि जो ऑटोमेटिक आता है ये मैनुअल में हमारे पास है। इसमें आपको क्या कुछ कंपनी जो है प्रोवाइड कर रही है उसका हम बात कर लेते हैं। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है गाइस, माइंड मत करना। यहाँ पर हम फ्रंट से शुरू करें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर LED लाइट दी गई है गाइस। यहाँ पर आपको जो है लो बीम और यहाँ पर आपको एक हाई बीम दिया गया है। यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है। DRL आपको इस वेरिएंट में दी गई है गाइस। यहाँ पर हम बात करें, हुंडई का लोगो दे रखा है जो आपको मिलता है साटन फिनिश में। यहाँ पर हम बात करें तो बम्पर दिया गया गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लॉसी फिनिश में आपको पूरा जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इसकी ग्रिल नीचे आपको यहाँ पर दे रखी है, इसकी रेडिएटर ग्रिल जो आपको मिलती है वो भी ग्लॉसी फिनिश में गाइस दी गई है। टायर की बात करें तो वो आपको मिलते हैं इसमें। साइज की बात कर लेते हैं गाइस, आपको जो टायर साइज इसमें दिया गया है वो मिलता है 195/55R 16 इंच के आपको यहाँ पर जो है अलॉय व्हील के साथ टायर दिए गए हैं। आगे आपको डिस्क, रियर में मिलती है आपको ड्रम ब्रेक। यहाँ पर आपको चार नट मिलते हैं गाइस, वो ऊपर आपको हुंडई का लोगो दे रखा है। यहाँ पर ओवर व्यम दे रखा है, ऊपर आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है, नीचे आपको इसमें LED पडर लैंप भी गाइस दे रखी है। ए पिलर आपको बॉडी कलर, बी ब्लैक और सी आपको जो है मिक्स टाइप का मिलता है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश इसमें दे रखी है। नीचे आपको यहाँ पर क्रोम की जो लाइन है वो वहाँ एंड तक जो है चालू रहती है गाइस। यहाँ पर आपको मिलता है इसका डोर हैंडल जो कि आपको क्रोम में दिए गए हैं। ऊपर आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर। नीचे हम बात करें तो आपको ग्लॉसी फिनिश में इसकी स्किड प्लेट मिल जाती है। यहाँ पर आपको i20 का बैजिंग भी है गाइस इसमें दे रखा है। यहाँ पर आपको जो है साइड बीडिंग दी गई है। यहाँ पर हम बात करें तो आपको i20 का लोगो इस वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाता है लाइट में, टेल लाइट में। यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर और यहाँ पर दे रखे रिवर्स लाइट। यहाँ पर ये कनेक्टिंग लाइट का फीचर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। हुंडई का लोगो साटन फिनिश में, i20 की बैजिंग, अस्टा ऑप्शनल है गाइस, केवल आपको अस्टा की बैजिंग इसमें मिलती है। रियर में आपको यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं आपको जो है रिफ्लेक्टर मिलते हैं आपको इसमें। दो पार्किंग सेंसर गाइस इसमें दे रखे हैं आपको, हालांकि चार तो गाइस इसमें देने चाहिए थे, दे सकते हो। दो ही पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं। यहां पर भी आपको ग्लॉसी फिनिश में इसको दिया गया है। यहां पर आपको वाइपर, डिफॉगर दे रखा है। रियर में हम बात करें तो आपको कैमरा भी गाइस इस वेरिएंट में मिलता है। ऊपर आपको दी गई हाई माउंट स्टॉप लैंप, ऊपर आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना। 37 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक दिया गया है गाइस, वही आपको पोर्शन जो है सेम यहाँ पर चालू हो रहा है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मिलता है 311 लीटर का बूट स्पेस बॉस का। यहाँ पर आपको स्पीकर मिलता है, टूल किट दी गई है। यहाँ पर आपको लाइट मिलती है जो आपको जो बूट के हिसाब से बंद अपने आप हो जाती है। स्पेयर टायर की बात करें तो 185/65R 15 इंच का आपको स्पेयर टायर मिलता है, जिसमें भी आपको 1 इंच जो है कम मिलता है स्पोर्ट्स वेरियंट की तरह। यहाँ पर देख सकते हो पूरा ग्लॉसी फिनिश आपको मिलता है रियर में। यहाँ पर भी जो मेजर चेंज कर रखा है, यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश जो है इस बार दे दिया गया। पहले ये बॉडी कलर में आपको मिलता था। इंटीरियर में चलते हैं, जाने से पहले आप चाबी देख सकते हो, इसमें आपको कीलेस एंट्री मिलती है गाइस। हुंडई वरना की तरह इस पर चाबी इसकी जो है वो कर दी गई है, काफ़ी प्रीमियम लगती है गाइस पकड़ने में, देख सकते हो आप। चलते हैं इंटीरियर में, रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हो आप ORVM जो है फोल्ड अनफोल्ड अपने आप हो जाते हैं। इंटीरियर में चलते हैं गाइस, यहाँ पर देख सकते हो आप इंटीरियर में मैं आ चुका हूँ। थोड़ा सा सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके पावर विंडो के कंट्रोल, इग्निशन इसका जो है ऑन कर लेते हैं गाइस एक बार। ऐसा कुछ आपको एनिमेशन मिलता है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। यहाँ पर आपको मिलती है इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन। ड्राइवर साइड आपको जो है ऑटो डाउन और ऑटो आपके साथ मिलती है गाइस, देख सकते हो आप। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल, ORVM जो फोल्ड अनफोल्ड वगैरह कर सकते हो आप अंदर से, उनको एडजस्ट वगैरह जो है वो भी कर सकते हो आप, देख सकते हो। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको लेदर फिनिश में स्टेयरिंग व्हील डी कट दिया गया है आपको। क्रोम फिनिश का यूज़ भी इसमें कर रखा है। हुंडई का लोगो, एयरबैग आपको इसमें 6 मिलते हैं गाइस जो कि स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं इस बार। AC वेंट दे रखा है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, व्यू आप यहाँ से ले सकते हो गाइस, रियर व्यू रियर व्यू मोनिटर आप यहाँ से ले सकते हो, देख सकते हो आप। यहाँ पर आपको दे रखा है इसका हेडलैम्प लेवलर। लाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटो में इसकी हेडलाइट मिलती है जो मिलती है आपको LED में। यहाँ पर आपको वाइपर मिलते हैं जो आपको ऑटो में नहीं मिलते गाइस। यहाँ पर इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल, यहाँ पर दिया गया क्रूज कंट्रोल। यहाँ पर आपको 220 तक मार्किंग मिलती है इसके स्पीडोमीटर में, 8 तक मिलते हैं टैकोमीटर में, क्योंकि पेट्रोल इंजन केबल गाइस इसमें आ रहा है, डीजल इस बार नहीं आ रहा। यहाँ पर फ्यूल की वार्निंग और यहाँ पर टेम्परेचर गेज दी गई है। 3-pin सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आपको इसमें दिया गया है। यहाँ पर पूरा आपको जो है वो हार्ड टच मिलता है। यहाँ पर मिलती है आपको 10.25 इंचेस की डिस्प्ले गाइस।
इसके नीचे जो वेरिएंट आते हैं उसमें आपको 8 इंच की मिलती है, इसमें आपको मिलती है 10.25 इंच की। इसको एक व्यू को जो है बंद कर देते हैं गाइस, यहाँ पर देख सकते हो ये ऐसा कुछ आपको इसका इंटरफेस मिलता है, काफ़ी स्मूथ दे रखी है गाइस, देख सकते हो आप। फ़ोन प्रोजेक्शन, नेविगेशन गाइस, इसमें मैप वगैरह, रेडियो, मीडिया, ब्लू लिंक का फीचर भी आपको इसमें मिलता है। सेटिंग में जा करके आप देख सकते हो साउंड, व्हीकल, नेविगेशन, सभी सेटिंग वगैरह काफ़ी स्मूथ तो बहुत दे रखा देख सकते हो आप। विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है गाइस इसकी डिस्प्ले की। यहाँ पर आपको वॉल्यूम कम वगैरह करने के लिए बटन जो दे रखा है। यहाँ पर आपको दे रखे हैं एसी वेंट, हजार्ड लाइट के कंट्रोल। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है गाइस। नीचे आपको एक यूएसबी लगाने के लिए पोर्ट और टाइप सी, और यहाँ पर दे रखा है आपको 12 वी का चार्जिंग सॉकेट। वायरलेस चार्जर भी गाइस इस वेरिएंट में मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड आईबीटी का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअली हैंड ब्रेक दे रखी है। 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट मिलता है जो कि आपको मिलता है गाइस स्लाइडेबल। स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पर हम बात करें ग्लव बॉक्स की, तो आपको काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट रखने के हिसाब से मिल जाता है, जो कि मिलता है आपको कूल्ड गाइस, देख सकते हो आप, कूल्ड मिलता है आपको। इसमें एक बार जो चेंज किया गया गाइस, इस बार कंपनी ने जो चेंज किया वो है इसका इंटीरियर, जो आपको ब्लैक और बीज कलर में मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक और वाइट कलर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको लगता है। इसमें आपको जो है एम्बियंट लाइट भी गाइस इस बार दे दी गई है, देख सकते हो एम्बियंट लाइट भी आपको इस वेरिएंट में मिलती है, जो कि यहाँ यहाँ डोर पर सभी तरह आपको नीचे यहाँ फुट लाइट जो है दी गई है। तीनों पैडल आपको नीचे मिल जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें ऊपर, तो यहाँ पर आपको मिरर दे रखा है गाइस। इस तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको ओनली मिलता है इसका टिकट होल्डर। थोड़ा सा सीट को पीछे कर लेते हैं, पूरा हो गया गाइस आगे से कंप्लीट। सीट आपको वही इसमें मिलती है, फाइबर कम लेदर की मिलती है गाइस, लेदर और यहाँ पर फाइबर आपको मिलता है। यहाँ पर भी गाइस कंपनी ने सॉफ्ट टच यहाँ पर दे रखा, हालांकि ये आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलता है। हॉर्न की बात करें तो हॉर्न आपको पोंपो सिंगल हॉर्न मिलता है इसमें। ईयर में आ चुके हैं गाइस, देख सकते हो आप। आगे वाली सीट में अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर आया हूँ, हालांकि ये जो है टिल्ट हो रखी है काफ़ी बलानो की तरह, तो बहुत स्पेस इस बार दे दिया भर के गाइस। यहाँ पर आपको मिलता है ग्रैब हैंडल टांगने के लिए हुक, पावर विंडो के कंट्रोल। यहाँ पर भी आपको साटन फिनिश का यूज़ कर रखा है। यहाँ पर भी आपको जो है हार्ड प्लास्टिक मिलता है गाइस। यहाँ पर आपको मिलता है ग्लॉसी फिनिश में इसके डोर हैंडल बंद करने के लिए, खोलने के लिए। उस तरफ भी आपको ग्रैब हैंडल, आगे वाले दोनों हेडरेस्ट आपको मिलते हैं एडजस्टेबल, पीछे वाले भी हेडरेस्ट एडजस्टेबल दे रखे हैं। आस्ता ऑप्शनल है गाइस, जिसमें आपको जो आर्मरेस्ट नहीं दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आपको मिल जाती है पार्सल ट्रे। रियर में आपको एसी वेंट दे रखा है, थोड़ी सी स्पेस। यूएसबी चार्जर गाइस जिसमें दे रखा है, जो कि ये वाला सेटअप आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट से सेम मिल रहा है टॉप वेरिएंट तक। आपको हम बात करें एक चीज़ गाइस जो मेन इस वेरिएंट में है वो रह गई है, उसकी हम बात कर लेते हैं आगे चल करके। यहाँ पर आपको बोटल होल्डर और स्पेस तो गाइस इतना कुछ है नहीं इसमें, बोटल होल्डर केवल आपको मिलता है। मेन बात जो गाइस कह रहा हूँ मैं वो क्या रह चुका है, वो है इसकी ये क्या सनरूफ गाइस जो है वो रह चुकी है इसकी। इसको हम जो है वो आपको चला करके दिखा देते हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पर आपको सनरूफ के लिए जो है बटन दे रखा है। गंदा हो रहा था गाइस, थोड़ा सा माइंड मत करना। वन टच आपको ओपन मिलता है, ये देख सकते हो वन टच ओपन मिलता है। काफ़ी स्पेस दे रखा है इसमें भी गाइस, देख सकते हो काफ़ी वाइड ओपन हो रहा है। ये भी प्रैक्टिकल है गाइस, ऐसा नहीं है कोई वैसे शो ऑफ के लिए दे रखा आपको। वन टच डाउन नहीं है गाइस ये, ऐसे ही आपको बंद करना पड़ेगा। ये IRVM मिल जाता है ऊपर, सॉस, ब्लू लिंक वगैरह या RSA वगैरह का आपको इसमें सिस्टम मिल जाता है। सनग्लास होल्डर दिया गया है। यहाँ पर आपको 2 लाइट आपको मिल जाते हैं, जो कि मिलती है हेलोजन में गाइस। यही थी गाइस इंटीरियर में। चलते हैं आप इंजन की तरफ, वहाँ पर आपको क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है। इंजन की बात कर लेते हैं तो आपको बोनट खोलने के लिए जो लीवर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर मिलता है गाइस आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। डीजल इस बार नहीं आता गाइस, जिसमें डिसकंटिन्यू कर दिया है। जो पावर निकालता है 82 bhp और 115 nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है गाइस। नेचुरली एस्पिरेटेड जो आता है गाइस वही इंजन आपको मिलता है। अंडर बॉडी गार्ड आपको टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलता, हालांकि आप एक्सेसरी के तौर पर जो है लगवा सकते हो। बैटरी रिप्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। ABS, EBD 6 एयरबैग गाइस, चाइल्ड के सभी फीचर आपको मिल जाते हैं। ऊपर आपको इंसुलेशन के लिए कार्डबोर्ड भी नहीं लगा कर दिया गया। काफ़ी साइलेंट इंजन है गाइस, मैंने चला करके देखी है। तो डायमेंशन वगैरह की गाइस इसकी बात कर लेते तो आपको 3995 mm की इसकी लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 1775 mm की आपको विड्थ दी गई है। हाइट की बात करें तो 1505 mm की आपको हाइट मिलती है।
यहाँ पर हम नीचे बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें दिया गया, जो 5 mm का इंक्रीज़ हुआ है। प्राइस की बात कर लेते तो इस वेरिएंट का गैस जो प्राइस आता है वो है 998,000 एक्स शोरूम गैस। ऑन रूट जो है सिटी और स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है, 998,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस जो एक्स्ट्रा ऑप्शनल का बैठता है गैस। तो यही थी गाइस आज की वीडियो, मिलते किसी नई वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।